दोस्तों, आज हम बात करेंगे शरीर पर होने वाले दाग के बारे में। जैसा कि हमारे शरीर में दाग को हम लोग बड़ी ही आसानी से इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम इसे मामूली दाग समझते हैं। लेकिन यही दाग आगे चल के कई बार एक्जिमा या तो दूसरी तरह की स्किन की बीमारी का दूसरा रूप ले लेती है। तो आज हम बताएंगे एक्जिमा के बारे में कि एक्जिमा भी दांत खाज खुजली के ही जात का एक रोग है। एक्जिमा में हमारी स्किन लाल हो जाती है जहाँ पर एक्जिमा है, और उस पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। यह शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, और यह ज़्यादातर जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तब होता है, और तभी इसकी शुरुआत होती है। कई बार यह भी देखा गया है कि गर्मी के मौसम में यह अपने आप ठीक भी हो जाता है, लेकिन फिर जैसे सर्दी आती है फिर स्टार्ट हो जाता है या फिर शुरू हो जाता है। तो एक्जिमा दो प्रकार का होता है, एक ड्राई और दूसरा गीला। ड्राई में यह डेंड्रफ की तरह सफ़ेद रूसी की तरह इसमें निकलती है, और गीले में या तो पानी निकलता है या तो पस निकलती है। तो दोस्तों, एक्जिमा का इलाज करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि यह एक्जिमा है या एलर्जी है, क्योंकि दोनों के लक्षण लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो इसके लिए पहचान करना आवश्यक है कि ये एक्जिमा है या एलर्जी है। तो आइए हम बताते हैं कि एक्जिमा में हम कौन कौन सी आयुर्वेदिक औषधि का प्रयोग करें। सबसे पहले एक प्याज को छील करके उसमें से पीस करके उसका पेस्ट बना लें, और नीम के पत्ते को पानी में उबालें, और ठंडा होने के बाद एक्जिमा वाली जगह पर उस स्थान को अच्छे से धो लें, उसको अच्छे से साफ करें। और धोने के बाद इसमें जो हमारा प्याज का पेस्ट है उस पर लगाएं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका एक्जिमा कम होने लगेगा, आपको बहुत लाभ होगा। और आज की हमारी टिप्स है कि समुद्र के पानी में नहाने से चर्म रोग को विशेष लाभ होता है। किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो, समुद्र के पानी में नमक होता है और उसमें बहुत सारे गुण भी पाए जाते हैं, इसलिए समुद्र के पानी में नहाने पे हमारे स्किन में की जो प्रॉब्लम है, जो चर्म रोग है, उसको काफ़ी आराम मिलता है। तो दोस्तों, फिर हम अपने चैनल आयुर्वेद हर्ब में कुछ नए निदान टिप्स के साथ उपस्थित होंगे।